ओ तो आ गए आप लोग और मेरा ये भी रेडी हो चुका है। तो आप में से बहुत सारा साथी लोग है जो कि समझ चुका है कि आज क्या बनने वाला है, बैंगन का भरता। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर पेप्सी का कैन से। हालांकि ऐसा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, फिर भी मैं इसे बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसे बना लिया था और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी दिखा दूं इसे कैसे बनाते हैं। मैं जो कुछ भी बनाता हूँ इतना सारा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। कर दो यार, कर दो। तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको लेना है ऐसा एक कैन जो कि आप बहुत सारा फेंक चुके होंगे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे खाली करना है। मैंने भी इसे खाली कर दिया है। और उसके बाद आपको चाहिए एक ऐसा सैंड पेपर। मैं यहाँ पर 80 नंबर का सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा कैन है उसे इसके ऊपर ऐसे रब करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैजिक होगा, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगाना होगा एक स्विच, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कट करना है। तो चलो जल्दी से इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इसे काटने में मुझे बहुत दिक्कत आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा खराब हो गया है इस साइड से, क्योंकि ये बहुत ही पतला है। तो आपको इसे काटने के लिए कोई ज्यादा नुकीली चीज का जरूरत होगा, उससे आप इसे कट कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। और उसका ठीक नीचे हमें यहाँ पर ऐसा एक होल करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया है। तो ये होल हमने किया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक चार्जिंग पोर्ट लगाना होगा, आप देख सकते हैं। तो अब जो हमारा स्विच है उस पर दोनों वायर हम लगा लेंगे। तो ये भी लग चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये लग गया है। तो अब हमें पीछे से हॉट ग्लू भी लगाना है यहाँ पर, तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ग्लू गन है उससे चार्जिंग पोर्ट पर गोली करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें सेम तरीके से स्विच को भी लगा लेना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्विच भी अच्छी तरीके से लग गया है। तो इस स्पीकर में हम जो बैटरी लगाने वाले है उसे चार्ज करने के लिए हम TP4056 मॉड्यूल का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ इस स्पीकर का पूरा सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाकर वहाँ से देखकर भी इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है उसका जो प्लस है वो हमें TP4056 का ऊपर के साइड में जहाँ पर लिखा हुआ है इन प्लस और इन माइनस, वहाँ पर लगा देना है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। और अब हमें स्विच का कोई भी एक वायर लेकर TP4056 का आउट प्लस में लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इसे हम रखते हैं साइड पर और आते हैं मेन सर्किट में। तो मेन सर्किट जो हम यूज करने वाले हैं वो है PAM8403 जो कि शाहरुख खान की तरह फेमस है। और एक हम यूज करने वाले हैं ब्लूटूथ रिसीवर। तो इन दोनों का वायरिंग थोड़ा जान लेते हैं। तो इन दोनों सर्किट को अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसका लेफ्ट लग जाएगा, इसका ग्राउंड लग जाएगा और इसका राइट लग जाएगा ऐसे। और यहाँ पर है 5 वोल्ट और ये है ग्राउंड। ये पांचों कनेक्शन सीधा इसमें लग जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप इसे पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है और इस सर्किट का ये सामने लिखा हुआ है। तो चलो जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सुई से जो लास्ट एक वायर बचा हुआ है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने हीट स्ट्रिंग का यूज किया है, आप चाहे तो टेप का यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो वायर है ये जाकर लग जाएगा TP4056 का आउट माइनस पर। तो अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा बैटरी कनेक्ट करना। तो B+ और B- पर कोई भी 3.7 वोल्ट का बैटरी हम लगा देंगे।
तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल का बैटरी का यूज करो, लिथियम बैटरी आसानी से मिलता नहीं। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट में मोबाइल का बैटरी का यूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो कोई भी बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटरी कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें चाहिए एक स्पीकर। तो ये जो मैंने स्पीकर यूज किया है ये है 4 ओम 3 वाट का स्पीकर, और पैम 8403 जो सर्किट है उसका दोनों आउटपुट है। आप दोनों में से किसी भी एक पर लगा सकते हैं। तो मैं इस साइड पर लगा देता हूँ। तो अब हमारा पूरा सर्किट रेडी हो चुका है। तो जितने भी सर्किट है हमारा उसको हम टेप की मदद से सिक्योर कर देंगे ताकि किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया है क्योंकि जो TP4056 है उस पर दो LED है जो कि इंडिकेट करता है बैटरी का चार्जिंग को। तो स्पीकर को यहाँ पर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा छोटा सा पॉलीथीन लेंगे और फिर हम ग्लू गन की मदद से यहाँ पर ग्लू लगा देंगे। और उसके बाद इसे यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे और फिर आप धीरे धीरे से ये जो पॉलीथीन है इसे खींचेंगे तो ये निकल जाएगा और ये जो स्पीकर है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारा जो स्पीकर है वो रेडी हो चुका है। तो चलो जल्दी से इसे यूज़ करके देखते हैं। तो पहले चलो इसका चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक मोबाइल चार्जर है तो ये हमने लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड LED इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा जो बैटरी है ये चार्जिंग पर है। तो चलो इसे ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि इसे कैसे बनाते हैं, और कोई भी डाउट रहता है तो नीचे जल्दी से कमेंट करो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपके पास कोई पुराना म्यूज़िक प्लेयर या ऑडियो प्लेयर है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने पुराने म्यूजिक प्लेयर या ऑडियो प्लेयर जो भी है उसे दुगना अपग्रेड कर सकते हैं। उस पर आप ऑक्स ब्लूटूथ पिन ड्राइव जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके वीडियो को देख लो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।